गाफलता दी गूड़ी नींद वे सुत्या दस्या। भगत कबीर साहब दे बचन ने पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है इओ सतगुर जागता है दियो। उन्हां दे बचन ने भी जे मन भी लवो भी तुहाडा विश्वास है भी फुल तोड़ के पत्ते तोड़ के असी पूजा करदे आ ते तुहाडी संस्कृति दे मुताबक ब्रह्म पाती बिशन डारी फूल शंकर दियो, तीन देव प्रतख तोरै करें किसकी सियो। तुहाडी फिलासफी कहिंदी है कि ब्रह्मा दा निवास पत्तियां विच है, विष्णु दा निवास टाणियां विच है, ते शंकर दा शिव दा निवास फुलां विच है। देवते ते तोड़ लए ते पूजा किहदी करनी है। इस करके मालन भूली जग भुलाना हम भुलाने नाहीं। भगत कबीर जी कहिंदे ने कि एक मालन भुल सकदी है, जगत दे लोक वेखा वेखी ये भुल कर सकदे ने, पर प्रभु भगत कदे ये भुल नहीं करदे, क्योंकि गुरु अमरदास जी दे बचन ने भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिख मार्ग चलना। हुण भगत कबीर जी दी परमेश्वर नाल किस तरह दी प्रीत सी, उन्हां दे बचन ने मेरे मालक जी मेरे तन ते आरा चल जावे, आरे दी ओनी पीड़ा नहीं जिन्नी पीड़ा मैं तुहाडे तो मूँह मोड़ लवां, तुसी मेरे वल करवट कर लवो, मैं इस पीड़ा नू आरे दी पीड़ा नालों भी ज्यादा पीड़ा मानदा हाँ। यही कारण के सतगुरु जी दे सिख भाई मती दास जी ने अपने आप नू आरे नाल तां चरवा लिया, पर गुरु तेग बहादुर साहब वाले पासे तो मूँह नहीं मोड़िया, बेमुख नहीं होए, क्योंकि आरे नाल चीरे जाण दी पीड़ा घट है, ते गुरु तो मूँह मोड़ लैना परमेश्वर तो मूँह मोड़ लैना इहदी पीड़ा ते सहारी नहीं जा सकदी। भगत कबीर साहब दे बचन ने करवत भला ना करवट तेरी। करवत कहिंदे ने कलवत्र आरे नू, साढ़े तन ते आरा चल जावे ये तां चंगा है, पर तेरी करवट नहीं चंगी लगदी, तू साढ़े वल अपनी कंड कर लवे, साढ़े वल अपनी पिठ कर लवे, मूँह ना करें, सानू तू बुलावे ना, ये तां दुख बड़ा वड्डा है। करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हौं वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे, जो तन चीरै अंग न मोरों, पिंड परै तो प्रीत न तोरों, हम तुम बीच पयो नहीं कोई, तुमै सुकंत नार हम सोई। हे प्रभु तेरा ते साडा रिश्ता इस तरह दा है जिवें पति ते पत्नी दा रिश्ता, पति ते पत्नी दे रिश्ते दरम्यान होर कोई नहीं आउंदा, बिल्कुल इसे तरह हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुमै सुकंत नार हम सोई। इस तरह प्रभु भगत भगत कबीर साहब जी ने एक परमेश्वर दी भगती अते उन्हां दे नाल जदों प्रेम करदे ते उन्होंने अपने जीवन का मुख उद्देश ही यह दसिया कि असी इस जीवन दे विच केवल एक परमेश्वर नू प्राप्त करना है। कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पवजल फेरा। जात पात दे विरुद्ध भगत कबीर साहब ने आवाज बुलंद कीती, कहन लगे तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। हे ब्राह्मण जे तां तेरियां नाड़ां दे विच दुध है ते साडियां नाड़ां विच लहू है, फिर तां तूं ब्राह्मण हो गया असीं शूदर हो गए, पर जे तेरियां नाड़ां विच वी लहू है ते साडियां नाड़ां विच वी लहू है ते फिर कौन ब्राह्मण ते कौन शूदर। कहण लगे कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, सो ब्राह्मण कईयत है हमारा। जिहड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वह असल विच ब्राह्मण है, भावें वह जुलायां दी कुल विच पैदा होया, भावें वह किसी ब्राह्मण दी कुल विच पैदा होया, जिहड़ा ब्रह्म नाल जुड़ जांदा उहनूं असल विच ब्राह्मण अखवाउण दा हक है। कोई जात करके इलाके करके किसी घराणे करके उच्चा ते नीवां नहीं।
यह भगत कबीर साहब की उदाहरण है। उन्होंने उदाहरण दिती, कहन लगे वेखो हल्दी का रंग पीला, आटे का रंग चिट्टा, पर जदों दोवें आपस विच मिलदे ने हल्दी अपना पीला रंग छड़ दिंदी है, आटा चिट्टा रंग छड़ दिंदा है, दोवें मिलके एक नवा रंग पैदा करदे ने जिन्हों आपां लाल रंग कहने। भगत कबीर साहब दे बचन ने कबीर हरदी पीयरी, हल्दी पीले रंग दी है, चूना उजल पाए, चूना दा अर्थ हुंदा है आटा, वो चिट्टे रंग दा है, राम स्नेही तौ मिलै दोनों बरन गवाए। कहिंदे जिवें आटा ते हल्दी मिलके दोवें आपो अपना रंग छड के एक नवा रंग पैदा करदे ने लाल रंग। कहिंदे इसे तरह जदों परमेश्वर दे प्यारे मिलके बैठदे ने, उच्ची जात वाला अपनी उच्ची जात दा हंकार छड दिंदा है, ते जिहड़ा नीवी कुल विच पैदा होया होवे ओह अपना नीवी कुल दी हीण भावना नूं दूर करके इको सतसंग विच बैठ के वह परमेश्वर की आराधना करते ने। कबीर हरदी पी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलहारी इस प्रीत को जे जात वर्ण कुल जाए। कहिंदे मैं उस प्रीत तो बलहार जावां जिथे जात वर्ण कुल देश भेस इस तो उपर उठ के एक प्रभु दे रंग विच रंगे जाके मालक दी बंदगी ते सिमरन दे विच प्रभु प्यारे जुड़दे ने। जदों गुरु कलगीधर पातशाह ने खालसे दी साजना कीती ते पंजां प्यारियां दी पंज सुच्चे मोतियां दी जेड़ी माला है वह भी वेखो, वह पंजे ना तां इक इलाके दे सन, ना इक जात दे, वह वक्रे वक्रे घराणियां नाल संबंध रखण वाले सन। इस करके गरीब नवाज जी धन गुरु नानक साहब जी ने भाई लालो जी दे घर जाके ये आवाज़ बुलंद कीती सी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। भगत कबीर साहब ने उन्हां लोकां दी संस्कृति दे मुताबिक एक साखी का भी हवाला दिता, कहन लगे भी एक पासे तां तुसीं ये साखी सुणाउंदे हो कि कृष्ण जी उच्च जाति दे लोकां नू राज घराणियां नू छड के एक दासी सुत गरीब बिदर दे घर गए, ते जदों दुरयोधन औखा हो के बोलन लगा भी तुसीं साडी तुहीन कीती है, तुसीं साडे राज महल छड के उच्च घराणे छड के एक गरीब दी झौंपड़ी वे जा के रात कटी, ते कृष्ण जी ने अगों उत्तर दिता कहन लगे भी जेड़ा प्रेम बिदर दे हिरदे विच सी ओ तुहाडे अंदर मैनू दिखाई नहीं दिता, ते मैनू कोई विपता नहीं पई कि मैं तुहाडे घर आ के रात कटां। भगत कबीर साहब ने साखी का हवाला दे के कहा भी नाले तां तुसी ये साखी सुणाउंदे हो ते नाले गरीबां नाल वितकरा करदे हो, नफरत करदे हो, तुसी कृष्ण जी की खुशी किवें लै सकदे हो, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ ਰਾਜਨ, ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ। ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावै, ओहो गरीब मोहे पावै, कहन लगे हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। कहन लगे ताड़ी साखी यही है ना कि खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रैन बिहानी। कहिंदे हुण जिस प्रभु नाल मैं जुड़िया उहदे बारे सुनो, कबीर को ठाकुर अनद बनोदी, जात ना काहू की मानी। कहिंदे ते केवल एक बिदर दी साखी है, मेरा प्रभु ते सदा ही गरीब नवाज है,
वो ते कदे किसे दी जात नहीं मानदा, इस करके मैं उस प्रभु नाल जुड़िया जिहड़ा समुची मनुखता नू पैदा करन वाला अवल अल्ला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे। हुण इन्ना समा नहीं कि आपां विस्तार वे जा सकीए, मुख वाक दी विचार भी आप संगतां नाल सांझी करनी है। भगत कबीर साहब जिन्हां ने पावन बाणी दे राही सानू एक परमेशर नाल जुड़न दी प्रेरणा कीती है, जात पात ऊच नीच अते छूत छात तों उपर उठ के भरातरी भाव नैतिक कदरां कीमतां अते सदाचारक गुण सानू धारण करन लई प्रेरित कीता है। उन्हां दे अज आगमन दिहाड़े दी फिर एक बार सारियां संगतां नू बहुत बहुत वधाई। आओ हुण सतगुरु साहिब जी दे बख्शे होए पावन मुखवाक दी विचार सरवण करिए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, जैत सरी महला चौथा कार दूजा। ये पावन गुर शब्द जैत श्री राग अंदर चौथे पातशाह दीन दुनी दे थम धन धन गुरु रामदास जी का उचारण किया होया है, जिन्हों दूसरे घर विच गाउण दी हदायत कीती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इस संखेप दे विच मंगल है कि प्रभु एक है, वह सारे संसार विच व्यापक सत सरूप होण करके उहदी प्राप्ति भी सच्चे गुरु दे राही ही हुंदी है। हर हर सिमरहु अगम अपारा। ये भाई सदा ही उस अगम अपर अपार प्रभु नू सिमरना चाहीदा, जिहदे बराबर होर इस दुनिया दे विच कोई नहीं, उहदी बंदगी करनी चाहीदी है, उहदी आराधना करनी चाहीदी है। जिस सिमरत दुख मिटै हमारा। जिस प्रभु नू सिमरन दे नाल साडे जीवन दा सब तों वड्डा जिहड़ा विछोड़े वाला दुख है उह वी मिट जांदा है, क्योंकि दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सकत वार जां मदूत। साहब जी कह रहे ने दुख तदे जां विसर जावै भुख व्यापै बहु बिध धावै, सो ये भी दुख जेड़ा वो दूर हो जांदा मालक नू सिमरन दे नाल। हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिया सुख होई राम। ये मेरे प्रभु कृपा करो सानू सतगुरु महापुरख नाल मिला देवो, क्योंकि गुरु नू मिलके ही सानू आत्मक सुख प्राप्त हुंदा है। हर गुण गावो मीत हमारे। हे साडे मित्र तू भी हमेशा प्रभु दे गुण गाया कर। हर हर नाम रखो उर तारे। सदा ही हरी नाम नू अपने हिरदे विच वसा के रखो। हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिया प्रगट होई राम। हे भाई सदा ही सानू परमेश्वर दे आत्मक जीवन देण वाले बचन सुनाउणे करो, क्योंकि गुरु नू मिलके हिरदे दे विच परिपूर्ण परमेश्वर प्रगट हो जांदा है, ते उहनू प्रगट करन दा इक्को तरीका है कि उहदे गुण गाउणे चाहीदे ने। भगत कबीर साहब जी ने भी जदों सुनिया कि बनारस दी धरती नू ये मन्या जांदा सी भी जेड़ा उत्थे प्राण त्यागेगा वो मुक्त होवेगा, मगहर दी कलराठी धरती नू सराफी धरती मन्या गया भी जेड़ा उत्थे प्राण त्यागेगा वो नरकां नू जावेगा टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां विच पवेगा। पर भगत कबीर साहब ने यह दसण लई भी जदों नाम जपण लग पईए फिर किते भी होईए, नाम जपण वाला किते भी जन्म लवे किते भी प्राण त्यागे वह तो मुक्ति है। ये भगत कबीर साहब के बचन ने, कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए, लोग जानै ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार। केंद्र बाणी नू केवल गीत ना समझ लियो,
ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਪੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆ ਅਜੋ ਨਾ ਪੇਟ ਅਗਈ ਹੈ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਆਪਣੋ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਆਪਣੋ ਪਈ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਉਲਟਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਰਹਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੋ ਤਪ ਕਾਹੀਨਾ ਅਬ ਕਉ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ ਤਜੀਲੇ ਬਨਾਰਸ ਮਤ ਭਈ ਥੋਰੀ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰ ਉੱਠ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਪ ਕੀਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਰਨ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਵਿਚਾਰੀ ਓਸ਼ੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉੱਤਰ ਸਪਾਰੀ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹੜੰਬੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੈ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਜਬ ਤਬ ਅਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤਨ ਕੀ ਤਪਸ ਮਟਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਪੁਨ ਖਾਂਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਸੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਬੇਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਗਹਰ ਹੜੰਬੇ ਕਲਰਾਠੀ ਸਰਾਫੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਵਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਸ਼ੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਧਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਾਨਾ ਮਧਸੂਦਨ ਮਧ ਨਾਮ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
प्राणा दे आसरे इस माया दे मालक पति हो। मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना, मेरे मन विच मेरे हिरदे विच तुहाडा नाम मिठा लग रहा। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। सानू दया करो कृपा करो मालक जी, जेड़ा गुरु मोह माया तो निर्लेप होवे ते सानू भी किरत करदियां नू धंदियां विच रहिंदियां नू माया विच रहिंदे जीवां नू इस प्रभाव तो उपर करके तुहाडे नाल जोड़ दवे। निरअंजन अवस्था दा जेड़ा मालक होवे ऐसा गुरु सानू जिंदगी दे विच मिला दिओ, भाव उस सतगुरु दे चरणा नाल जुड़ करके। हर हर नाम सदा सुख दाता, सतगुरु गुरु रामदास जी कृपा कर रहे ने भाई, परमेश्वर दा नाम सदा ही सुखां दा दाता है। हर कै रंग मेरा मन राता, इस करके हरी परमात्मा दे प्रेम विच मेरा मन सदा जुड़ गया रत्या गया, भाव हरी दे रंग विच रंगिया गया, प्रभु दे प्रेम रंग विच जुड़ गया। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुर नानक नाम सुख होई राम। हे प्रभु तुसी कृपा करो सानू गुरु महापुरख नाल मेल दिओ, तां कि हे नानक गुरु दे राही ही परमेश्वर दा नाम जप के सानू आत्मक सुख प्राप्त हो सकदा है। भगत कबीर साहब ने भी यही विचारधारा दिती है, कबीर सूख ना एह जुग करें जो बहुते मीत, जो चित राखें एक स्यों ते सुख पावै नीत। उन्हां दे बचन ने कबीर तां स्यों प्रीत कर जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपती आवै कौने काम। को हर समान नहीं राजा ए भूप सब दिव चार के, झूठे करत दवाजा जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लईऐ। उन्हां दे ए इनकलाबी बचन ने कि जेड़ा सुख एक भगत दे हिरदे विच है वह किसी राज भाग दे विचों भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस करके प्रभु भगतां ने एक सुर विच हो के सानू सारिआं नूं परिपूर्ण परमात्मा जो सानू सारिआं नूं पैदा करन वाला जो व्यापक है उहदे नाल जुड़न दी सानू प्रेरणा कीती है, ते जे प्रभु नालों टुट के अल्प शक्तियां नाल जुड़ांगे इह साडी डिमोशन है, असीं थल्ले आवांगे डिग पवांगे रसातल विच चले जावांगे। प्रभु सब तों वड्डा है, मैं पेख्योरी ऊचा मोहन सब ते ऊचा, उस उच्चे नाल जुड़ांगे ते उच्चियां होवांगे, सचखंड की प्राप्ति होवेगी। ते जे नीवे चले जावांगे ते नीवा नरक हुंदा, नीवा रसातल हुंदा, नाओ तेरा निरंकार है नाए लया नरक ना जाइया। कवन नरक क्या सुरग बचारा, संतन दो राधे हम काहू की कान न कटते अपने गुर प्रसादे। सतगुरु कृपा करन पावन पवित्र गुरु शब्द की विचार करदियां प्रभु भगत भगत कबीर साहब जी दे बख्शिश किए हुए सिधान की विचार करदियां बहुत प्रकार दियां भुलां हो जांदियां हन। सतगुरु जी आप संगतां खिमा करन दे समर्थ होईयां भुलां तो खिमा कर देना। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे समुचे प्रबंध वल्लों सारियां संगतां नूं फिर एक बार प्रभु भगत भगत कबीर साहब जी दे आगमन दिहाड़े की बहुत बहुत वधाई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब वालों जथेदार अवतार सिंह जी उन्होंने जो निर्णय लिया कि दीवान हाल गुरद्वारा श्री मंजी साहब विखे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रभु भगतों के जो आगमन दिहाड़े ने वो संगतां दे सहयोग नाल मनाए जाया करनगे। उस ही लड़ी के दौरान अज भगत कबीर साहब जी का आगमन दिहाड़ा मनाते हुए 9:30 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी दे जो अखंड पाठ साहिब दे प्रवाह चल रहे ने संपूर्णता होवेगी, उपरंत गुरबाणी का कीर्तन अते अरदास राही प्रभु भगतां नूं अपना अकीदा भेट किया जाएगा। क्योंकि सफल जन्म हर जन का उपजिया, जिन कीनों सौत विधाता, आओ
अखीरलियां पंक्तियां दा पाठ फिर एक बार सरवण करिए। हर हर नाम सदा सुख दाता, हर कै रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मेलो, गुर नानक नाम सुख होई राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू था।